जय हिंद, मैं हसन खान और आप देख रहे हैं सीएनसीसी टीवी न्यूज। मुंबई यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और फाउंडर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के नेशनल लीगल एडवाइजर श्रीमान अविनाश दुबे जी द्वारा स्थापित यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने यशस्वी पूर्वक 11 साल पूर्ण कर लिए हैं। इस मौके पर पदाधिकारियों की बैठक भी संपन्न हुई। सभी ने एक स्वर में एडवोकेट शैलेश दुबे जी को इनके कार्य और कार्य रीति को देखते हुए पुनः इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने सफलतापूर्वक 11 साल पूर्ण करने पर एडवोकेट अविनाश दुबे जी और पुनः अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर एडवोकेट शैलेश दुबे जी को क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश गुप्ता जी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक और फाउंडर और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के नेशनल लीगल एडवाइजर अविनाश दुबे जी, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट शैलेश दुबे जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं एडवोकेट शैलेश दुबे, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और आप लोगों के मदद के साथ में आज इसको 11 साल पूरे हो चुके हैं और आप लोगों की ऐसी मदद रहेगी, आगे भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। सन 2009 से आज तक आप लोगों के सहयोग से यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया है, ये सब आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। बाकी अभी हमारे यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नौशाद खान जी हमारे साथ में हैं, दो शब्द ये बोलेंगे। अभी यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है, आज इसकी 11वीं स्थापना दिवस है। इस मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कोरोना का जो मामला चल रहा था हमारे देश में, जो महामारी चालू हुई है, इसके लिए हमारे सभी साथियों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की है। नीडियन पुअर पीपल्स के साथ साथ में जो हमारे पुलिस विभाग है, उसके अलावा बीएमसी के विभाग और भी जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनके हर तरीके से हमने सहायता करने की कोशिश की है और आगे भी हम करते चले आए। और हम चाहते हैं कि ये इसके साथ, इस संस्था के साथ में सभी लोग हमारे से जुड़े और कुछ ऐसे हमारे जो लोग हैं जहाँ पे मन को कोई मदद की जरूरत है, अगर मदद नहीं मिलती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारे अध्यक्ष महोदय शैलेश जी हैं, उनके भाई अविनाश दुबे जी हैं, इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और जो भी होगी हम उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे हर तरीके से। और हम चाहते हैं कि यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इसका मतलब नाम जो है ना, एक इस पैमाने पर मतलब होना चाहिए कि लोग सामने से आकर कहे कि नहीं, हम इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करें। हमारी नीयत भी वही है कि ऐसा हम काम करें और ऐसा कार्य करें कि लोग खुद ब खुद हमसे जुड़ते चले जाए। और वो कहावत है, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे बीच मौजूद है सचिंदर शर्मा जी, ये आपके बीच जो सब। मैं दुबे जी से पर्सनली जुड़ा हुआ था, जब उन्होंने यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताया इस कोरोना काल के दौरान में, तो मैं जुड़ा और इनके साथ काफ़ी इलाकों में हम गए जहां पुलिस की जो पुलिस वाले जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे थे, असली कोरोना वॉरियर थे, तो उनको हमने अपने तरफ से कुछ चीज़ें, चाय पानी नाश्ता का हर जगह व्यवस्था करने की कोशिश की, क्योंकि 24 घंटे वो हमारे लिए काम कर रहे थे और उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो उनको देखने के लिए यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन थी। और हमारी गुजारिश है कि अगर आपको भी आपके आसपास ऐसे कोई ज़रूरतमंद दिखे, ऐसे कोई बच्चे दिखे, ऐसे कोई बुजुर्ग दिखे जिनको उनकी ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद। चंद्रेश भाई, यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर आपके सामने, तो सब नमस्कार। मैं हाल में इसमें जुड़ा हुआ और इनके थोड़े कार्य देखे, प्रयत्न करूंगा कि इसमें भविष्य में कुछ और मेंबर्स जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। यूनिटी जैसे नाम है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश करेंगे और यही सबसे आशा है कि सब जुड़े और आगे आगे बढ़े। यूनिटी वेलफेयर जो एसोसिएशन है उससे हम 2009 से जुड़े हुए हैं और उसके साथ कैसा कि भाई इसके साथ इस जब शुरुआत किए थे तो हम लोग साथ में मिले, फिर मैंने फेसबुक पे बहुत सारे देखे और कार्य अच्छे लगे, तो फिर हम वापस उनके साथ मिलकर कार्य की शुरुआत की।